Hello viewers, welcome to AR show. Your host Amad Rana is here. I have found Rumi Khan. He's a great composer, also write his own song. He's a great lyrics writer. And you know what? He's a great singer. On top of that, his friend told me that he's also going for acting. अस्सलाम वालेकुम असल खान क्या हाल है आपके वाले क्या हाल चाल है सर जी आपके शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए कैसा महसूस हो रहा है आपको थैंक यू सो मच आई फील अमेजिंग मैन आई फील लाइक यू नो इट्स ऑनर फॉर मी टू फीलो हियर कुछ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि आपने कब से सिंगिंग और ये मीडिया के अंदर आया और कब से शब शुरू किया आपने आई एम बेसिकली मैं तो अपना क्या कहते हैं नौ साल की उम्र से गाने गा रहा हूँ <coughs> सीख रहा हूँ गा रहा हूँ बट आप ऑफिशली मैंने 2013 में मैंने अपना फर्स्ट सिंगल रिलीज़ किया था तो ये जाने ना जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट हुआ गया था एक्सक्लूसिव अपना चैनल्स पे चला था वो गाना तो उस तरह से मैं स्टार्टिंग मैंने की थी सो इट वाज डिफरेंट इट वाज रियली न्यू फॉर मी एंड आई वाज वॉज क्रीजी वंगिंग सो आई रिलीज दैट सिंगल एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट तो नौ साल की उम्र में जब आपने गाना शुरू किया तो फैमिली ने क्या आपको सीरियस लिया था या फैमिली ने सपोर्ट किया That's a question that everybody asked me, but that's one thing I would tell. Me. Yeah, my family would, didn't support me at that time because every time I tried to sing, my dad always told me, No, don't sing, whatever, because he, he knows there's so much struggle in this thing. He was good, thinking good for me, you know. Uh, but it took me a long time, a long process to prove him that, Yes, I can do it. And uh, finally, now he is the one who's supporting me the most. I love my dad for that and he's every time I'm performing international or any other level local whatever he's always there for me. So now he is with me yes. Back to back <coughs> aap humesha hits de rahe Rabdi aaya. Mm -hmm. uh, Lagdi ferrari aaya, pir teri yaad aaya. In tino songs mein kaunsa aapka favourite song hai? Um, <coughs> I'm gonna be honest about it like you know teri yaad was the first uh, I'm gonna correct the coordination on that. Pehle mera tuye jaane na उसके बाद मेरा अपना क्या किया था फरारी आया फिर तेरी याद आया एंड नाउ आई जस्ट रिसेंटली रिलीज रब दी. तो तो ये जाने ना वॉज माई आई रोड द सॉन्ग लगदी फरारी वॉज रिन बाय मी एंड रब दी बट तेरी याद इट्स समन आई वॉज फॉर मी एंड पर्सनली अगर आप इन सारों गानों में मुझे बोलेंगे कौन सा ज़्यादा तुम्हारा फेवरेट है इस uh, तेरी याद

इन सब के पीछे जो एक थी कि इंसान के थॉट्स होते हैं <coughs> आप कोई भी गाना लिखने जा रहे होते हो ना तो आपको पहले सोचना पड़ता है कि आपको किस चीज़ के लिए लिखना है किस बारे में लिखना है कोई भी चीज़ के ऊपर आप एग्जाम्पल ले सकते हो अब एक, एक छोटे से गिलास के ऊपर रख सकते हो उसके एक कांच के ऊपर लिख सकते हो किसी के ऊपर भी लिख सकते हो बट यू हैव टू मे अ थाट यू हैव टू लिसन यू हैव टू लुक वॉट ऑडियंस वॉन्ट फ्रॉम यू उन लोगों को मोहब्बत चाहिए प्यार मोहब्बत चाहिए या उनको पार्टी सॉन्ग चाहिए हो तो याद चाहिए सो आई सॉन्ग फॉर तू ये जाने ना एंड तेरी याद फॉर द सैड सॉन्ग एंड देन आफ्टर दैट आई गिव टू पार्टी सॉन्ग्स लगदी फरारी एंड रबदी रबदी इज टोटली totally भंगड़ा यू कैन प्ले इन द वेरिंग्स यू कैन प्ले इन दी यू कैन प्ले इन द क्लब एंड एवरी एंड देन ऑल्सो आई रिलीज कहानी But I didn't have a video for that, but I did release it uh, audio. It was really good song. It's a club song, you can listen or whatever. I mo Most of the time, I perform in the club or any concert, uh, it's Kahani, because Kahani has a really upbeat. Uh, crowd get really hyper with that. You are so young, but you are so motivated. So, me and my viewers wants to know, especially the young people, where this motivation is coming from. Uh, <clears throat> it's just the thing, man, like I'm gonna be honest with you about that. के मोटिवेशन आपको तभी आती है जब आपके अंदर कुछ करने की चाहत होती है इफ़ यू नो वट यू वॉन्ट डू इट कैन बी इट डजन हैजू बी द सिंगिंग इट कैन बी एक्टिंग इट कैन बी एनी थिंग इट कैन बी एन स्पोर्ट यू कैन बी ए करिकुलर यू कैन बी एनी थिंग इट जस्ट इन यू बट आई ओनली कैन like यू नो द अपकमिंग आर्टिस्ट और यू नो जो भी नए नए हैं इनके अंदर इन कामों के अंदर जो स्ट्रगल कर रहे हैं आई will जस्ट tell them लाइक जस्ट कीप doing इट never गिव अप one day you will click matlab andar aag honi chahiye aur lagan honi exactly insaan ke andar apni he will do it it doesn't have to be ke budget if you don't have a resources you have so many platform like a like international type of videos that you can release you know facebook youtube and all that you can release the song on that but

There's no like you know cassettes and all that because that was a time when cassettes were made, CDs were made, and when you just uh, release it, it the And they release it, people buy it and do it. Now, if you release a song and if you do the album, or anything right now, right now is only the time for releasing a singles. The album, if you do the re album, because the album has almost like 18 songs, you know. Uh, if you थिंक अबाउट इट अगर आपका एल्बम पूरा फ्लॉप हो जाता है तो आपके अट्ठारह के अट्ठारह गाने, गाने, गाने जया हो गए आई रिकमेंड फॉर द अपर्स न्यू कमर्स नो के आपको भी अपना क्या कहते हैं आपको सिंगल्स रिलीज करो बिकॉज इफ यू आपका एक गाना अगर हिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट दूसरा गाना तो हिट हो सकता है बट दैट्स अगर इफ यू रिलीजिंग द होल एल्बम इट लाइक सिंग ऑफ तो एक गाना रिलीज करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े और yes. कहा जा सकते हैं बिकॉज यू कैन गिव अप ऑन वन सॉन्ग माई फर्स्ट सॉन्ग वॉज रिलीज तू ये जाने ना इट वॉज बट इट वॉज नॉट दैट बेक बट पीपल नो मी बिकॉज रोमी खान से दी रोमी खान बने आप तेरी याद तेरी याद पे तेरी याद तो किसकी याद है तेरी याद इज एक्चुअली मेरे लोगों की याद है लोग जो हम मेरे फैंस है उनकी याद है उनके लिए सोच समझ के उनको देख के उनकी जो मैसेज है उनके ऊपर मैंने बात की फैंस आप देख रहे हैं रोमी खान स्टूडियो में बैठे हैं अहमद राना शो पे और मैंने इनसे सवाल पूछ लिया जो आपने मुझे लिख के भेजा था इन्होंने कहा कि ये आपकी याद है तेरी याद ये किसी लड़की की याद नहीं है तो आगे चलते हैं तो ये बताइए मेरे दोस्त कि आपने यू में काफ़ी ज़्यादा टूर्स किए कॉन्सर्ट्स किए इंडिया भी आपका जाना हुआ पाकिस्तान भी आप गए मिडल ईस्ट में भी आपने परफॉर्मेंस की इन सब जगह के अंदर कहाँ आपको एक महसूस हुआ कि ऑडियंस और क्राउड जो है म्यूजिक को अप्रीशियट कर रही है और म्यूजिक को फील कर रही है अबाउट दैट क्वेश्चन आई वुड से कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ ना इट डिपेंड्स ऑफ द क्राउड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डिसअपॉइंटेड हुआ किसी भी क्राउड से अब ना कहना से कि इंडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया या पाकिस्तान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अमेरिका ने सब ने अपने हिसाब से बहुत सपोर्ट किया एंड आई लव अबाउट वन थिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान एंड अमेरिका you know <coughs> even if they don't know me after my performance they always supported me because i proved them yes what you were looking for me when I, my promotion was on like mera poster who's romi khan is that's the question comes up when i every time i go and that's not easy it made me nervous all the time loge you jab on performance performance to ye andar motivation to har show exercise player क्रिकेट के अंदर प्रैक्टिस करता है तो आप क्या करते हैं उसके लिए रियाज आई डू रियाज फॉर आवर्स जो भी टाइमिंग होते हैं जितने भी टाइम करना है या दो घंटे करने या आधे घंटे करने या चार सॉन्ग करने या तीन सॉन्ग करने वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट इवन इन द रूम इवन एन एवरी वेयर हम लोग जाते टाइम आते टाइम हम लोग को रियाज करना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू टू गिव द द बेस्ट पीपल कुछ know? इंडिया की बात करते हैं कि आपको इंडिया के अंदर किसी कंपनी ने साइन अप किया है कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए उसके बारे में इंडिया में आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है एंड फाइनली आई मेड दैट मे इन इंडिया द बिगेस्ट वैकलेबल इन इंडिया थी सीरीज जी जी उन्होंने मुझे साइन किया जबरदस्त टी सीरीज़ वाज द बिगेस्ट वैकलेबल फ्रॉम नाइनटीज आई वॉज इवन बोर्न दैट टी सीरीज वाज गिविंग हिट्स इन बॉलीवुड गाइस ये पैदा हुए यंगस्टर हैं और बड़े यार खूबसूरत भी हैं और बड़ा खूबसूरत गाते भी हैं तो जो लोग देख रहे हैं तो ये रोमी बहुत यंग है और बहुत टैलेंटेड है दैट्स व्हाई ब्रिंग हिम इन यार शो

Many reasons to attend cosmetology school, freedom of self employment, working with others, helping people, financial stability, learn new and exciting things. Financial aids available to those who qualify. Call us today 540 313 4493 or 240 631 2220. For a happy living, improve your credit today. Best credit repair services around. Exercise your legal rights. Fix your credit today. We have the expertise and knowledge to bring your good credit back. We offer 100% satisfaction and money-back guarantee. Free initial consultation. Please call Asad Khan 1-800-691-0190 or visit our website www.creditfixedu.com. एक्सिडिटी का हो गया गोल, जब से लिया आशमी है अनमोल राजलेट्रॉल साथ है इस बगोल, मेरे घर में इसका अहम रोल सबके लिए बैक सो यू आर वाचिंग रोमी खान दी रोमी सुपर स्टार बनने जा रहे हैं ये बल्कि बन चुके हैं मैं तो ये कहूँगा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं तो आइए फिर मैं इनसे कुछ और सवाल करता हूँ रोमी आप बात कर रहे थे लगन की रियाज़ की और बात कर रहे थे प्रैक्टिस की जो हर सक्सेसफुल मैन के आ, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे होता है कि प्रैक्टिस आज में ज़रूरी है So, this is the that you model hoga ya, What is behind your success? Inspiration, like I always talk about two people that I was been listening to them. And um, <coughs> there are the artists that <coughs> when I was listening to them and I wanted to be, become like them, I, I'm a big fan of them actually. Uh, <coughs> one is Imran Khan, second is uh, Falak Shabir. I'm Imran Khan from <coughs> am, uh, Amplifier. Amplifier, yes. yes. And Falak Shabir is, is uh, he done so many shows and the songs in the Bollywood as well. He's from Pakistan, but uh, yeah. So if you listen to my Tediyad, it sounds like Falak Shabir songs. Yes. And like Lagdi Ferrari and Rabdi it sounds like Imran Khan song. Imran Khan and Tediyad it's like my inspiration i look at them, <clears throat> I listen to them. Sam. i'm still a big fan of them even though i have sh done shows with them. i'm still a big fan of them. and when i'm on i'm not going to say i copy them. i learn from them. i always tell everyone, i learn from my seniors. they are my seniors. i'm a big fan of them, so i'm learning from them. and that's they are my inspiration and i'm keep doing it. and now my genre is, has been a little change. when i started, it was just a pop and now it's a hip-hop and r&b. that's what i'm doing.

I learn for it, I work hard for it. And talent, yeah, it comes in you, but sometimes you have to find it. A lot of people, every single person on earth, they have some talent. It take a while to find that. You have to look into yourself and you will find that one day what you good at. And what I thought about it, when I look at it in myself, I found this in myself and I'm being doing it.

थोड़ा सा एक छोटा सा क्या के कहते हैं आई डेंट हैव एनी माइक आई हैव एनी थिंग और मुझे हमेशा से शौक़ था कि मुझे यार सिंगिंग करनी है सिंगिंग करनी है सिंगिंग करनी है बिकॉज मैं ये पाकिस्तान आइडल इंडियन आइडल में बहुत देखता था बहुत शौक से देखता था इस वजह से क्योंकि मुझे एक इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे एक फेम चाहिए था इट्स बिकॉज मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे दुनिया मुझे जाने दुनिया मेरे नाम को जाने और मेरी मेरे मॉम डैड को पहचाने You know, कि कि यू नो ये रोमी खान के डैड है हर बाप अपने बेटे को तो नाम देता है मेरा सपना था कि मैं अपने बाप को अपने नाम के साथ जोड़ूं। और उनको बता सकूं कि डैड कि लिए मैंने भी कुछ किया इट इट सो हार्ड फॉर मी मी टू मेक बिलीव बिलीव डैड डैड आई कैन डू दिस इन है Dad,

दीस आर द सॉन्ग थोड़ा बार... सा हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि रोमी खान हम माइक पे तो देखते हैं लेकिन एआर शो में भी आए तो आप जरा अगर 10 सेकंड के लिए कुछ सुना सकते हैं तो हमारे व्यूअर्स को अरजीत सिंह का सॉन्ग है बातें हैं कभी ना वो मैं आपको सुनाता हूँ। hmm, बातें ये कभी ना तू भूल ना कोई तेरी खातिर है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सो सोचना कोई तेरी खातिर है जी रहा तू जहाँ जाए महफूस हो तू जहाँ जाए महफूस हो दिल मेरा मांगे बस ये दुआ बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरी खाते है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरी खाते है जीरा जबरदस्त व्यूअर्स मैंने कहा था कि लाइव परफॉर्मेंस भी देंगी यार शो में प्रॉमिस किया था तो ये आपने देख रही है तो रोमी खान से कुछ इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं आपके दोस्तों ने बताया कि रोमी खान तो ग्रेट सिंगर तो है कंपोजर भी है लिरिक्स भी लिख रहा है लेकिन किसी ने मुझे ये बात भी बताई कि आप एक्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स से कुछ शेयर करना चाहेंगे आप जी बिल्कुल एक्टिंग के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि जब मैं कहते हैं सिंगिंग कर रहा था तो मेरे हमेशा दोस्त मुझे हमेशा कहते थे यार वाई डोंट यू डू एक्टिंग वाई डोंट यू डू एक्टिंग एवरी टाइम वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड and he is like my older brother ray khan which is always do my music videos जी, जी, yeah. he is always telling me why don't you try why don't you give a shot for the acting so recently i went to pakistan and uh, i was there a well, lot of my friends in pakistan like you know drama hain pakistan and that home channels so one of my friends like you know ki yaar all zada mujhe force kiya gaya and all that i was like you know the, the thing was that like acting I always I want to do it but I always want to make myself into more in singing you know agar main acting singing karna chahunga to main acting to kisi ke liye ki acting But main kar you know <laughs> <laughs> lekin aisi baat nahi hai lekin ye finally maine apne kehte i just recently have audition for the drama and sooner inshallah like i'm willing to do a drama soon kuch advice <coughs> to the youngsters hain aaj kal har banda chahta singer banu actor banu host banu <coughs> anchor banu player banu

तो फॉर द अप कमर्स लाइक फॉर द सिंगर्स आई वुड से जब स्टार्टिंग होती है ना तो पीपल डोंट नो यू एनी थिंग यू सिंग इज रियली टू मच जजमेंट इन दैट पीपल गैन लुक यू सो कहना कि अपना के जो इज़ कहते हैं ना कि अपना लास्ट इम्प्रेशन सो गिव अ डू इट इवन इवन अगर वो तुम्हारा नहीं हिट करता या लोगों को पसंद नहीं आता डोंट गिव अप डोंट get hurt, don't get hurt because I'm gonna be honest with you. यू एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके व्यूवर्स के लिए मैं सिंपल सी बात दूंगा मेरा शो हुआ था दुबई के अंदर uh, साजिद वाजिद बहुत पाकिस्तान इंडिया के बहुत बड़े जी, जी, अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ हुआ था और मेरे सामने वाजिद भाई बैठे हुए थे एंड uh, वाजिद भाई थमी कुछ सुनाओ आई वॉज फ्लैर बट आई वॉज सो नर्वस कि मैंने इतने शोज़ किए हैं उनके आगे बैठ के मेरी आवाज़ पता नहीं कहाँ चलेगी मुझे नहीं पता चला आई गिव फर्स्ट शॉट ही वॉज अपसेट ही वॉज एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने क्या कर दिया बिकॉज आई वॉज टू नर्वस यू नो इट्स लाइक यू नो कि जिसका तुमने ड्रीम किया हो और वो उसके सामने तुम बैठ जाओ एकदम से और मैंने गाओ तो आई गा सो नर्वस कि मैं उनके सामने पहला गा नहीं पाया जिस तरह से डिसअपॉइंटेड हुए थे वो इस रीज़न पर डिसपॉइंटेड हुए थे वो मुझे एक बात कह रहे थे कि ये गाना है मेरा गाना है जो नया गाना है मैंने उनको सुनाया था तो उनको जब मैंने सुनाया था तो उन्होंने इसको धीमी आवाज में गाओ आई वो नर्वस आई क्यू नीन गो लोअर दिच यू नो इट्स लाइक यू नो हम तेरे He, that's all he was asking. Pitch I couldn't go on the lower pitch because I was so nervous. I can't believe that I was performing in front of that, that big person that give hits of songs in Bollywood. Salman Khan, ke, Khan, ke, But I asked him one more time give me, me one more chance. chance. And he gave me an, a chance. I proved him. And he great, liked it. Great message. And then after that, उनके शो के अंदर उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा के उनके साथ मैंने गाना गाया ग्रेट मैसेज सो डोंट गिव अप नेवर गिव अप देर इज गोना बी सो मेनी पीपल देर इज गोना बी सो मेनी अदर आर्टिस्ट देर इज गोना बी सो मेनी मोरस दे गाना डिसपॉइंटेड यू दे गाना मेक यू नर्वस दे गाना मिस यूज यू दे गा सो नेवर गिव गिव अप अस ऑलवेज अ ट्राई आज तक मैं अपना मैं गिव अप नहीं करता समटाइम मुझसे भी गलतियां होती हैं अम ना आई एम अ सो ग्रेट सिंगर But I always try my best. A short easy example singers is easy to be a singer, but it's really hard to be a performer. So be a performer. Think about it as a performer. When you're gonna be a performer, because performer is gonna be life. Singer can be record a song behind the mic, and the director can fix it for your voice forever. So when you're gonna be a performer, then you're gonna prove yourself. सो इट्स टू टू बी बी अ बट हार्ड परफॉर्मर आपसे मैंने एडवाइस मांगी थी आपने पूरा क्लास और लेक्चर दे दिया शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और बहुत मज़ा आया Thank और you. मेरे होपफुली व्यूअर्स को भी मजा आया था तो व्यूवर्स ये आप देख रहे थे रोमी खान को मैंने कहा था ये बड़े टैलेंटेड है तो आपने इनका मैसेज भी देख लिया होगा कि इन्होंने पूरा एक आपको जबरदस्त मैसेज दिया है तो आप गिव अप ना करें आप अपना काम करते रहें अहमद राना शो के अंदर जैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट गेस्ट को लेके आऊँ पहले खजर खान आए फिर मुर्तवा रही आए वो डॉक्टर थे ख़िजर खान पॉलिटिशियन थे उसके बाद मून खान को पॉलिटिशियन को लेके आया फिर मिस पेंसिल्वेनिया को आपने देखा जिन्होंने पैलेंट जीता तो आज मैं ह्यूस्टन में था तो मैं लेके आया रोमी खान को जो दी रोमी खान हो गए हैं तो आप लोग मुझे ईमेल इसी तरह करते रहें और कमेंट्स करते रहें फेसबुक पे और मेरा पेज भी लाइक करते रहें नेक्स्ट टी का तो मैं और अच्छे अच्छे गैस लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा ये सिर्फ शो में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो अहमद राना को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ